पुलिस और शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर बुधवार को युवाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। यहां मुख्यमंत्री के नाम युवाओं ने ज्ञापन सौंपा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 17 मार्च को जारी हुआ, जिसके बाद रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। रिजल्ट में डिस्क्वालीफाइड हुए अभ्यर्थियों ने एसपी पुलिस में रिजल्ट घोटाले का आरोप लगाया है। रिजल्ट से असंतुष्ट कई अभ्यर्थियों ने मामले में जांच की मांग की है। इस ज्ञापन में युवाओं ने नाराजगी जताते हुए बताया कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा हाल ही में हुए भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के चलते युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, उसमें हम सब लोगों को सीधे जो हमारा रिजल्ट है उसमें क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई पता है। हमें ये भी नहीं पता है कि हम कितने नंबर से डिसक्वालीफाई है, तो हमको यही जानना है। जैसे हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे यहाँ वोट भी होते हैं, तो हम सबको पता होता है कि कौन सी पार्टी कितने नंबर से जीती और हारी है। तो हमें तो ये भी नहीं पता हम कितने मार्क्स से आउट हुए हैं। तो हम पीपी और हमारी एमपी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हम कितने नंबर से, हमारा जो स्क्रीन पे जो नंबर दिखाए थे वो बताओ, और नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हम कितने नंबरों से मतलब नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हैं, ज़्यादा हुए, जिनके ज़्यादा हुए उनके कितने हुए, जिनके कम हुए उनके कितने मार्क्स कम हुए, और हम कितने नंबर से कट ऑफ से बाहर हुए। हमें ये सब जानने का पूरा अधिकार है। तो हम पीबी और एमपी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पूरी क्लियरिटी के साथ हमारा रिजल्ट दिखाया जाए, वरना ये हमें रिजल्ट बिल्कुल मान्य नहीं है। हम इस रिजल्ट को बिल्कुल डिसएग्री, और वरना अगर हमें नहीं रिजल्ट दिया गया तो हम आंदोलन पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। तो प्लीज़ एमपी गवर्नमेंट और पीबी से रिक्वेस्ट है कि हम सब बच्चों के लिए एक पूरे हित में अच्छे से रिजल्ट दे, और थैंक यू। क्या नाम है आपका? रूपाली कुशवाहा। आज हम समस्त छात्र इकट्ठे हुए हैं। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जैसे हम जैसे तैसे करके भोपाल में आंदोलन किया था, उससे हम एमपी पुलिस की एग्जाम करवाए, और जैसे एमपी टेट की जो एग्जाम हुई अभी वर्ग 3 की, उसमें जो पेपर लीक का मामला आ रहा है, और हमारे एमपी पुलिस में क्या हुआ है कि पहले दिन एग्जाम होता है, एग्जाम जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद क्या होता है, पहले क्वालिफाई बताता है फिर डिसक्वालीफाई बताता है। और दुख की बात ये हुई कि हमारी बहनें कोई 60 पर भी नहीं हुई, किसी का 70 पे भी नहीं हुआ, और 54 वालों पे सिलेक्शन हो गया। तो ये कैसे हो गया है, इसका दोषी कौन है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हम आज सभी इकट्ठे इसीलिए हुए कि ये मांग करते हैं कि अगर 7 दिन के अंदर सीबीआई जांच नहीं हुई, जो पेपर लीक का मामला आ रहा है, अगर 7 दिन के अंदर जांच नहीं हुई, तो हम पूरे बेरोजगार छात्र संगठन पूरे भोपाल में जाएंगे और महा आंदोलन करेंगे। इसके प्रति हम यही मांग करते हैं, और शिवराज सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो भी दोषी हो उसे दंडात्मक कार्रवाई की जाए, और कड़ी से कड़ी सजा दे, यही मांग को लेकर आए थे हम। क्या नाम है आपका? राजू हो रहे, बेरोजगार छात्र संगठन खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।